प्रकृति के दिए रंगों में कितनी सुंदरता होती है ना। जैसे इन फूलों को ही देख लीजिए आप, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। ये हमारे भीतर एक पॉजिटिवनेस लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में अपने गार्डन के कुछ फूलों को शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये कैना लिली का फ्लावर कितना खूबसूरत है। देखिए इसका वेरिएशन, और उसके बाद देखिए यूफोबिया मिली। देखिए कितना सुंदर इसके ये फूल हैं। और दोस्तों, ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। आप इसे कटिंग कहीं से भी, आप छोटी सी कटिंग लाइए और वेल रेंज आप इसे सॉइल बनाइएगा, और ये बहुत इजीली आपका ग्रो होगा। ये देखिए कितना सुंदर इसका ये फ्लावर है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसमें भी कई रंग आते हैं दोस्तों, एक रेड आता है, कोई येलो है, ये मिक्स में है, पर बहुत ही सुंदर। बच्चों से इसे दूर रखिएगा, कांटे होते हैं। और ये रेशियल प्लांट, देखिए फ्रेंड्स कितने छोटे छोटे इसके फ्लावर्स हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत एक अलग ही ग्रीनरी और ये रंग हमारी गार्डन को देता है। देखिए कितना खूबसूरत। ये देखिए इसके साथ ये कोलियस लगा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितना सुंदर है ये, नीचे नीचे तक इसके फ्लावर्स ये बिल्कुल लटक रहे हैं। और ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन आप देखिए कितना सुंदर। फ्लावर्स बिल्कुल इसके ऐसे बिल्कुल टिप में होते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए रंगून क्रीपर। रंगून क्रीपर भी आपकी कटिंग के थ्रू भी लगती है, और ये आप प्लांट भी लगा सकते हैं। 10 इंची के पॉट में मेरा ये लगा है, और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग दे रहा है। देखिए इसका प्लांट भी कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। ये 10 इंच के पॉट में है, साथ में पॉर्चुला का ब्यूटी आप देख रहे होंगे। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और फ्रेंड्स, इसको भी मैं कंपोस्ट दिया है मैंने, और वेल ड्रेन सॉइल इसका बनाया है। वो हर प्लांट के लिए आपको बनानी होती है। तो देखिए, और फ्रेंड्स नेक्स्ट फ्लावर आपका है पिंक मुसंड। देखिए कितना सुंदर फ्लावर है ये, अद्भुत। देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए कितना सुंदर। इसको मैंने पहले पोर्च के नीचे रखा था, ना तो इसमें ब्लूम्स हुए, और इसका लीव्स का कलर भी इतना अच्छा नहीं था। अभी ये फुल सनलाइट में रखा है, और देखिए कितने अच्छे से ये चल रहा है, और बहुत ही सुंदर। देखिए कितना खूबसूरत है। और देखिए फ्रेंड्स, ये पॉर्चुला का मेरे 3 ये जो कंटेनर्स हैं इसमें लगे हैं ये। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं आपके। देखिए ये तो बहुत ही मेरे गार्डन में बहुत आयत रूप में हो रहे हैं, और बहुत ही सुंदर एक रंग मेरे गार्डन को दे रहे हैं। और नेक्स्ट आप देखिए, ये है सदाबहार। ये फुल सनलाइट में लगा है मेरा अभी, और ये बारिश भी झेल रहा है, पूरे दिन की इसे धूप मिल रही है, और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। देखिए इसके मेरे पास 3 प्लांट्स हैं। एक ये पिंक में है, ये वेरीगेटेड है, और बाकी जो 2 देसी वैरायटी वाइट में और एक पिंक में, जो हमेशा हमारे पास रहते हैं,
इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स, इसको आप बारिश से बचा के रखिए। कहीं पर हल्के फुल्के छींटे पड़े चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश इसे नहीं चाहिए, ख़राब हो जाता है। मेरा तो ऐसे ही रखा है। और फ्रेंड्स देखिए, ये गुल मेहंदी का फ्रेंड है, ये फ्लावर देखिए जामनी कलर, बहुत ही सुंदर पिंक बहुत ही सुंदर। और ये पिछले साल का मेरे गार्डन में कोई सीड पड़ गया था, उससे ये खुद ब खुद ग्रो हुआ है। और नेक्स्ट ये रोज़ प्लांट देखिए, कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। देखिए इसमें मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया था, जिससे ये थोड़ा सा इसकी कंडीशन अच्छी हुई है। इसमें भी फंगस लग गया था, स्पॉट्स और इसकी लीव्स येलो हो गई थी, मैंने बस नीम स्प्रे किया है। देखिए अभी इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और देखिए फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। मैंने इसमें बोन मील डाला था और हफ्ते 10 दिन बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूँ, कभी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। देखिए कितने सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे। देखिए फ्रेंड्स इसके भी इजीली कटिंग लग जाती है, और मैंने अभी इससे कई कटिंग्स निकाल कर अलग से लगाई है, ग्रो हो चुकी हैं वो भी। देखिए और फ्रेंड्स ये है वाइट बोगनविलिया, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट, और पूरा अभी तो इसमें कम फ्लावर्स आए हैं, लेकिन ये फुल ब्लूम पर जब होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे 10 इंची के पॉट में ये लगा है और इतना खूबसूरती से चल रहा है। अभी बीच में इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन अब अच्छा हो गया है। ये देखिए इसकी लीव्स बता रही हैं, बस का देखिए ये। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे अप्रिशिएट करें। फिर मिलते हैं, टेक केयर, नमस्कार।